इस वक्त की बड़ी खबर सीतामढ़ी जिले के रीगा से है, जहां खेत में घास काटने गई दो महिलाओं पर तेंदुए ने हमला कर दिया है। हमले में दोनों महिलाएं बुरी तरह घायल हो गई है, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल महिलाएं सुनीता देवी एवं कुमकुम देवी रामपुर सिरौली की रहने वाली है। दोनों गुरुवार शाम आलू के खेत में गई थी। बगल की गन्ने के खेत में से अचानक तेंदुए ने निकलकर उन पर हमला बोल दिया। तेंदुए के झपट्टे से दोनों बुरी तरह घायल हो गई हैं। घटना से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों को आशंका है कि तेंदुआ उनके गांव में ना घुस जाए। ग्रामीणों से जानकारी मिलने पर पंचायत के मुखिया ने सदर SDM को दूरभाष पर घटना की जानकारी देते हुए वन विभाग की टीम को भेजने का अनुरोध किया है। प्रखंड रीगा पड़ता है, ग्राम रामनगर, वार्ड नंबर 3 में बालू टोला है। कुछ महिला सने में अपना काम कर रहे थे, एक ईंट का खेत है, वहीं से एक चीता छिपा हुआ था, आकर दोनों पर हमला किया है। घबराहट हो गई, लोग सदर हॉस्पिटल में लाया, या ट्रीटमेंट चल रहा है। जानकारी थी कि तेंदुआ आया हुआ है गांव में? ना, जानकारी नहीं थी। तो कितने लोग घायल हुए? दो आदमी घायल हुए, दो महिला घायल हुई जी। और उस किसी को नुकसान नहीं पहुंचा? ना, कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अच्छा, तो क्या मतलब इसकी सूचना आप दिए वन विभाग को? वन विभाग को दे दिए। तो टीम पहुंची क्या? ना, अभी तक तो नहीं पहुंची। तेंदुआ अभी गांव में ही है? हाँ, गांव में।